अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, परवीन्स किचन में आप सभी को वेलकम। उम्मीद होगी आप सब ठीक हो गए। मैं आज इजी रेसिपी बताने वाली हूँ, जो है चिकन ओट्स नगर्स। चिकन ओट्स नगर्स बनाने के लिए हमने लिया है 300 ग्राम्स चिकन, जो कि हमने इस तरह कट किया है। कोटिंग के लिए हमने ओट्स लिया है, हमने हल्का ग्राइंड किया है, और 1 एग। उसके बाद हमने लिया है 6 से 7 बादाम और काजू का पेस्ट किया हुआ है, 1/2 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ओरिगानो, 1/2 टीस्पून तंदूरी मसाला, 1/2 टीस्पून तिक्का मसाला, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून क्रीम, 1 टीस्पून सॉल्ट। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे और 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। बस उसके अंदर हम कि हमने सॉल्ट डाला है, तीखा मसाला, तंदूरी मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ओरिगानो, चिल्ली फ्लेक्स, और यह है बादाम और काजू का पेस्ट, और यह फ्रेश क्रीम। इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से हमने मिक्स किया है, हम क्रीम रैप चढ़ा के 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। मैं इसके साथ फिंगर चिप्स सर्व करूंगी। देखिए 1 घंटा हो चुका, अब हम इसको हमारे ओट्स की कोटिंग करेंगे। उसके लिए हमने पहले से ही अंडे को बीट लिया है। ओके, इस तरह हम कोटिंग करेंगे। इसी तरह हमारी सारी जो चिकन है उसकी हम कोटिंग करेंगे। देखिए इसी तरह हमारे सारे नगेट्स को कोटिंग करेंगे। ओट्स नगेट्स जो है बहुत ही अच्छे हैं बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए। इसको आप पहले से ही रेडी करके फ्रोज़न कर सकते हैं, और जब चाहे आप तब दे सकते हैं बच्चों के लिए टिफ़िन में। फ्रोज़न कीवी जो नगेट्स होंगे उसको आप फर्स्ट निकाल कर रूम टेम्परेचर करें, उसके बाद आप फ्राई करें। ये जो एक्स्ट्रा है मैं उनको फ्रोज़न करूँगी। अब मैं इनको फ्राई करने की तरफ चलती। देखिए मैंने आधे को फ्राई करने के लिए रखा है और आधे मैंने फ्रोज़न किया है। देखिए कढ़ाई में ऑलरेडी मैंने ऑयल रखा है गरम करने के लिए।
देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हमारे चिकन और नगेट्स को फ्राई करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हम मीडियम फ्लेम पे उसको फ्राई करेंगे क्योंकि हमारी चिकन जो है वो कच्ची है। इसके लिए हमको उसको गलाना है, तो उसके लिए हमको उसको गलाना है। इसके लिए हमको फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है। देखिए हमारे चिकन ओट्स नगेट्स रेडी है। अब हम इनको निकालेंगे तो बहुत ही अच्छे से हो गए हैं। देखिए बहुत अच्छे हुए। आप बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बनाइए, बहुत ही टेस्टी है। इसी तरह हमारे दूसरे भी जो है वो हमने डाले हैं। देखिए ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह हम फ्राई करेंगे। नगेट्स रेडी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे इजी टेस्टी रेसिपी के साथ में। अस्सलाम वालेकुम।